की शुरुआत में एक साइंटिस्ट के ग्रुप को देखते हैं जिसमें चार लोग होते हैं। वो न्यू मेक्सिको डेजर्ट का रेडिएशन लेवल चेक करने आए थे। तभी एक घायल आदमी उनके पास आ जाता है। वो आदमी इनसे कहता है, प्लीज मुझे बचा लो। उस आदमी को देख कर लगता था कि वो आदमी किसी से अपनी जान बचा के भाग रहा हो। तभी वहाँ एक म्यूटेंट आ जाता है। वह बारी बारी से सभी साइंटिस्ट को कुल्हाड़ी से मार डालता है और उनकी डेड बॉडी को कार से खींचते हुए अपने साथ ले चला जाता है। फिर हमें एक गैस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी सो रहा होता है। उसे बाहर कोई हलचल सुनाई देती है। वह उठकर अपनी बंदूक के साथ बाहर आता है पर वहाँ कोई नहीं होता। वह रूबी नाम पुकारता है पर कोई जवाब नहीं आता। फिर वह बोलता है, जुपिटर अगर ये तुम हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर भी कोई जवाब नहीं आता। जब वो अपने घर वापस जाने लगता है उसे अपने दरवाजे पे एक बैग दिखाई देता है जिसपे वो चीख के बोलता है, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, अब मुझसे यह सब नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि वह बैग को अपने साथ घर में लेके चला जाता है। जब वो बैग को खोलता है तो उसमें से बहुत सारे कीमती सामान होते हैं। उसमें एक कटा हुआ कान भी होता है जिसने कान की बाली पहनी होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि यह कान की बाली एक लड़की की है। अभी गैस स्टेशन पे एक आदमी आता है। उस आदमी का नाम बॉब कार्टन होता है। बॉब अपने पूरे परिवार के साथ सिडियागो कैलिफोर्निया जा रहा होता है। उनके साथ उनका दो कुत्ता भी होता है जिसका नाम ब्यूटी और बीस्ट होते हैं। तभी ब्यूटी उस गैस स्टेशन वाले आदमी के घर में चली जाती है। वहाँ उसी बैग के पास पहुँच जाती है जिसमें वो कटा हुआ कान रखा हुआ था। ब्यूटी को ढूंढते हुए बॉब की बड़ी बेटी जिसका नाम लीन है बैग तक पहुंच जाती है। उसे बैग पे शक होता है। वह बैग खोलने ही वाली थी तभी पीछे से आदमी आ जाता है। उस आदमी को लगता है कि लीन ने बैग खोल के देख लिया है। इसलिए वह आदमी जाते वक्त बॉब से कहता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। वह आदमी बॉब को एक रास्ता बताते हुए कहता है कि अगर आप इस पहाड़ी से होकर जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। पर वह रास्ता नक्शे में नहीं होता। फिर भी बॉब उसको धन्यवाद बोल के वहां से चला जाता है। रास्ते में बॉब की गाड़ी के सामने स्पाइक्स निकल आते हैं जिससे बॉब की गाड़ी के सारे टायर पंचर हो जाते हैं और उनकी गाड़ी एक बड़े से पत्थर से जाकर टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट से गाड़ी का एक्सल टूट जाता है। बॉब को लगता है कि स्थान में ज़्यादा गर्मी होने के कारण टायर फट गए हैं। यह लोग ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे मदद मिलने की भी उम्मीद नहीं होती। इनके पास जो फ़ोन होते हैं वह भी काम नहीं कर रहे होते। इसलिए बॉब और उसका सन एंड लॉ जिसका नाम डक था मदद लाने का सोचते हैं। बॉब कहता है कि मैं गैस स्टेशन जा रहा हूँ और रात तक गाड़ी लेके आऊँगा और डक को बोलता है कि तुम आगे 5 माइल तक जाना, अगर कोई मदद नहीं मिले तो वापस आ जाना। बॉब के पास 2 गन होती है जिसमें से एक वो अपने बेटे बॉबी को दे देता है और एक अपने पास रख लेता है। जाने से पहले सारे परिवार एक साथ प्रे करते हैं और दूर से यह सब कोई देख रहा होता है। इन पे कोई दूर से नज़र रख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पे नज़र रखता है। वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ब्यूटी टेलर के अंदर से बहुत भौंक रही होती है जैसे उसने कुछ देख लिया हो। ब्रांडा जैसे ही टेलर का दरवाज़ा खोलती है ब्यूटी फट से निकलकर पहाड़ियों की तरफ भागने लगती है। उसे पकड़ने के लिए बॉबी उसके पीछे जाता है पर थोड़ी दूर जाने के बाद ब्यूटी पहाड़ी के बीच गायब हो जाती है। बॉबी उसको ढूंढ रहा होता है तभी पहाड़ी की दूसरी तरफ से उसको भौंकने की आवाज़ आती है। यह सुन के बॉबी उस तरफ जाके देखता है कि किसी ने उसके कुत्ते को बीच से चीर के मार दिया था। यह देख के बॉबी बहुत घबरा जाता है और डर से वहां से भागने लगता है पर बॉब का पांव फिसल जाता है और वह पहाड़ी से गिर के बेहोश हो जाता है। यहां हम म्यूटेंट को देखते हैं जो ऊपर बैठकर ब्यूटी का पांव चबा रहा होता है। यह म्यूटेंट जब तक बॉबी को कोई नुकसान पहुंचाता उससे पहले वहां एक फीमेल म्यूटेंट आ जाती जिसका नाम रूबी होता है। यह नाम हमने मूवी के स्टार्टिंग में सुना था। रूबी एक अच्छी म्यूटेंट होती है, बॉबी को दूसरे म्यूटेंट से बचाती है। दूसरी तरफ हम डक को देखते हैं जो मदद लाने जा रहा था। डक को रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा मिलता है जो कि बिल्कुल एक खाई की तरह दिखता है। दरअसल यहाँ बहुत पहले एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इसलिए यह जगह ऐसी हो गई है। डक को यहाँ बहुत सारी पुरानी गाड़ी मिलती है। यह सब डक को बहुत अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो गैस स्टेशन पहुँच चुका होता है। बॉब उस आदमी को आवाज़ देता है पर वहाँ कोई नहीं होता। बॉब उस आदमी को ढूंढते हुए उसके कमरे में चला जाता है और उसे वो कटा हुआ कान मिलता है जिसे देखकर बॉब अलर्ट हो जाता है और अपनी गन हाथ में ले लेता है। दीवार पे उसे कुछ पुराने फोटो और न्यूज़पेपर मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि यह म्यूटेंट कहां से आए हैं। 1945 से 1962 के बीच में यूनाइटेड स्टेट ने माइनिंग टाउन पे जो 361 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उसी के रेडिएशन से कुछ लोग जेनेटिक डिफॉल्ट हो गए हैं। यह म्यूटेंट वही लोग थे और बॉब को यह भी पता चल जाता है कि वह आदमी म्यूटेंट के साथ मिला हुआ है। यहाँ से गुजरते वाले लोगों का रास्ता भटका के वो उन
म्यूटेंट के पास भेजता था। बदले में वह म्यूटेंट उसको कुछ नहीं करते थे और लोगों के पास जो भी कीमती सामान मिलता था वह म्यूटेंट इस आदमी को दे देते थे। अब बॉब गैस स्टेशन के बाहर आता है। वह उस आदमी को देखता है जो आउट हाउस के अंदर बैठ के रो रहा होता है। वह बॉब को देखते ही कहता है, मैंने बहुत कोशिश की, मुझे माफ़ कर देना। और यह कहते ही वह अपने आप को गोली मार लेता है। दरअसल उसे यह सब करके बहुत दुख हो रहा था। अब बॉब को अपने आप पर कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है जिससे वह डर जाता है और अंधाधुंध गोली चलाने लगता है और वहाँ खड़ी एक कार के अंदर आके बैठ जाता है। पर पहले से ही उस कार में एक म्यूटेंट बैठा होता है जो बॉब को बहुत बुरी तरह मारता है और उसे अधमरे हालत में ही वहाँ से लेके चला जाता है। उसी तरफ हम ब्रेंडा को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढने जा रही होती है क्योंकि बॉबी अभी भी बेहोश पड़ा था और रूबी उसके पास में ही बैठी हुई होती है। पर जैसे ही ब्रेंडा वहाँ आती है रूबी उसे देख के वहाँ से उठकर चली जाती है और ब्रेंडा उसे टेलर में ले आती है। यहाँ आके बॉबी देखता है कि उसका दूसरा डॉग बीस्ट वो भी कहीं चला गया है। बॉबी बहुत घबरा जाता है पर उसे घबराते देख कर उसकी माँ और उसकी बहन पूछती है तो वह कुछ नहीं बताता क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह लोग भी डर जाए। तब तक डॉग भी आता है। वह बताता है कि यहाँ से 5 मील जाके रास्ता ख़त्म हो जाता है, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है बल्कि यह एक रेगिस्तान है। अब रात भी हो चुकी है, यह सभी लोग सो रहे होते हैं पर बॉबी अभी भी जाग रहा था। तभी बॉबी को बाहर से बीच की भौंकने की आवाज़ आती है। बॉबी बाहर जाके देखता है, उसे झाड़ियों में से भयानक भयानक आवाज़ें सुनाई देती है, इसलिए वो अपनी बड़ी बहन लिन और डग को बोलता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, रात के 12 बज रहे हैं और पापा अभी तक नहीं आए। वह उनको ब्यूटी वाली बात भी बता देता है और बोलता है कि किसी ने हमारे कुत्ते को बीचों बीच से काट दिया है। हम देखते हैं कि इन म्यूटेंट ने बॉब को एक पेड़ से बांधकर आग लगा दिया था। यह लोग बॉब को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर ब्रिंडा और डग की बेटी क्रिस्टन ट्रक में अकेले थे। तभी दो म्यूटेंट ट्रक में घुस आते हैं। उनमें से एक म्यूटेंट जिसका नाम रिजर्ट होता है वह ब्रिंडा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ब्रिंडा की आवाज़ सुनकर लिन और उसकी माँ ट्रेलर अंदर आ जाते हैं। रिजर्ट बॉब की गन से उन दोनों को शूट कर देता है। इधर यह दोनों बॉब को बचा नहीं पाते और बॉब जल के बुरी तरह मर जाता है। गोली चलने की आवाज़ सुनकर यह दोनों ट्रक की ओर भागते हैं। वह म्यूटेंट ब्रिंडा को कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊँगा, और वो दोनों म्यूटेंट क्रिस्टन को लेके भाग जाते हैं। और जब डक ट्रक के अंदर आता है वह लिन को मरा हुआ देख के अपना होश खो बैठता है और जब वो अपनी बेटी को देखता है वह वहाँ नहीं होती, तब उसे पता चलता है कि वह म्यूटेंट क्रिस्टन को ले गए हैं। फिर हमें एक म्यूटेंट दिखाया जाता है जो उन पे दूर से नज़र रखा हुआ था। तभी वहाँ बॉब का दूसरा कुत्ता बीस्ट आ जाता है और वह उस म्यूटेंट को चीर फाड़ के मार डालता है। उसके हाथ में वॉकी टॉकी होता है इसलिए बीस्ट उसका हाथ उखाड़ के टक के पास ले आता है। उन म्यूटेंट का लीडर वॉकी टॉकी पे बोल रहा था कि जुपिटर उन लोगों को मार डालेगा। यह सब डक सुन रहा होता है। डक उस लीडर से बोलता है कि तुमने यह सब क्यों कर रहे हो, प्लीज़ मेरी बेटी मुझे लौटा दो। इस पे वह म्यूटेंट वॉकी टॉकी पर डक की बेटी की आवाज़ उसे सुनाता है जिससे डक को पता चल जाता है कि उसकी बेटी जिंदा है। सुबह होते ही डक बीस्ट को लेकर अपनी बेटी की तलाश में निकल जाता है। रास्ते में एक खदान मिलता है, अंदर जाके उसे पता चलता है कि यह म्यूटेंट का कब्र है। जब डक खदान की दूसरी तरफ देखता है तो उसे एक न्यूक्लियर टेस्ट विलेज दिखाई देता है। जब डक उस घरों में से एक में झांक के देखता है तो उसे अपनी बेटी दिखाई देती है। तभी उसे एक दूसरा म्यूटेंट दिखाई देता है जो एक डेड बॉडी को खींच के ले जा रहा होता है। डक उसे देखकर छुप जाता है और उस म्यूटेंट के जाने के बाद छुप के घर में एंट्री ले लेता है। अंदर एक फीमेल म्यूटेंट होती है जिसका नाम बिग मामा होता है। डक फिर भी उसे बचते बचाते वो अपनी बेटी को उठा के वहाँ से जाने लगता है। तभी बिग मामा उसको देख लेती है और उसे मार मार के बेहोश कर देती है। और जब डक को होश आता है तो वो खुद को एक फ्रीजर में पाता है जहां और भी इंसानों को काट के रखा गया था। डक बहुत घबरा जाता है और वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है पर फ्रिज लॉक होता है। डक के बहुत कोशिश करने पर वह फ्रीजर टूट जाता है और वो फाइनली वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद उसे एक और म्यूटेंट दिखाई देता है जिसका नाम बिग ब्रेन होता है। वह सारे म्यूटेंट का हेड होता है और चल फिर नहीं पाता इसलिए वह व्हीलचेयर पे बैठा रहता है। डक को उससे म्यूटेंट से बहुत कुछ पता चलता है। वह म्यूटेंट डक को बताता है कि तुम लोगों ने हमें शहर में नहीं रहने दिया, जब हम खदानों में रहने लगे तुम लोगों ने वहाँ पे भी विस्फोट कर दिया, तुम लोगों की वजह से आज हमारा यह हाल है। यह बोल के वह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब भूख मिटाने का टाइम आ गया।
इसके इतना कहते ही एक म्यूटेंट अंदर आ जाता है और डक पे हमला कर देता है। इस म्यूटेंट का नाम पुल्टो होता है। यह वही म्यूटेंट है जिसने मूवी की शुरुआत में 4 साइंटिस्ट को मारा था। यह म्यूटेंट बहुत खतरनाक होता है। डक उसे बच के भागने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब म्यूटेंट ने डक को मार ही डाला था, पर बीच बीच में आके डक को बचा लेता है। डक और म्यूटेंट में फाइट होती है। म्यूटेंट डक की 2 उंगली काट देता है, पर किसी तरह से डक म्यूटेंट को मारने में कामयाब हो जाता है। जब डक उस घर से बाहर आता है, उसे एक और म्यूटेंट मिलता है। डक उसे भी कुल्हाड़ी से मार डालता है। तभी हमको दिखाया जाता है कि बिग ब्रैन वॉकी टॉकी पे एक म्यूटेंट जिसका नाम लिजर्ड होता है, उसको बोलता है कि तुम बच्ची को मार डालो। वहीं पे बीस्ट भी होता है, वह बिग ब्रैन को चीर फाड़ देता है। फिर हमें लिजर्ड को दिखाया जाता है, वह बच्ची को मारने जा रहा होता है। रूबी भी वहीं होती है। लिजर्ड रूबी को बाहर भेज देता है। जब वह बच्ची को मारने ही वाला होता है तो वह देखता है कि वहाँ बच्ची की जगह एक सुअर था। इससे हमें यह पता चलता है कि रूबी बच्ची को लेकर भाग गई है। जब डक वहाँ पहुँचता है, उसे वहाँ उसकी बेटी नहीं मिलती। वह भागते हुए बाहर आता है तो उसे रूबी के हाथ में देखता है जो बच्ची को लेकर जा रही होती है। डक उसके पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें बॉबी और ब्रिंडा को दिखाया जाता है जो वैन के पास डक का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक म्यूटेंट उनकी माँ की डेड बॉडी को लेके भाग जाता है। बॉबी खून का पीछा करते हुए आगे जाके देखता है कि एक म्यूटेंट उसकी माँ की डेड बॉडी को खा रहा होता है। यह देख के बॉबी बहुत घबरा जाता है। वह म्यूटेंट अब बॉबी के पीछे पड़ जाता है। बॉबी भागते हुए आगे वैन में छुप जाता है। यहाँ ब्रिंडा गैस को लीक कर देती है और माचिस की तीलियों से एक ट्रैप बनाती है। फिर वह दोनों वैन के पीछे की खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। जब वो म्यूटेंट वैन में आता है तो ब्लास्ट होके मर जाता है। दूसरी तरफ हम डक को देखते हैं जो रूबी का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाता है और रूबी को गन पॉइंट पे ले लेता है। पर रूबी दूसरों म्यूटेंट की तरह नहीं होती है, वह डक को उसकी बेटी लौटा रही होती है। तभी ऊपर से लिजर्ड डक पे कूद पड़ता है। यहाँ दोनों में काफी लड़ाई होती है। लिजर्ड डक पे भारी पड़ रहा होता है, पर डक कैसे भी लिजर्ड को मार डालता है। रूबी डक की बेटी डक को देती है। उन्हें लग रहा था कि लिजर्ड मर चुका है, पर वो जिंदा था। वो पीछे से डक को गोली मारने ही वाला था। तभी रूबी उसकी जान बचा लेती है और लिजर्ड के साथ पहाड़ से कूद के अपने जान दे देती है। फिर हमें बॉबी और ब्रिंडा को दिखाते हैं जो यहाँ से जा रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि डक अब नहीं लौटेगा। तभी वो देखता है कि डक अपनी बेटी और बिश के साथ आ रहा होता है। यह सारे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभी भी कोई इन पे दूर से नजर रखा हुआ था। इसके साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।